बांग्लादेश में नई आफत, बाढ़ से मचा हाहाकार। बाढ़ का बहाना, भारत पर कैसा निशाना। सड़कों पर तैरती नाव, घरों में घुटनों तक भरा पानी। भारत को बताया जिम्मेदार, यूनिस सरकार को मिल गया तगड़ा जवाब। महीनों से खूनी हिंसा और दंगे की मार झेल रहे बांग्लादेश पर अब एक और नई बड़ी आफत आ गिरी है। बांग्लादेश में भीषण बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। चारों तरफ जल का सैलाब उमड़ने से बाढ़ में बहकर 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोग प्रभावित हैं। बता दें कि मानसून की भारी बारिश से बांग्लादेश के डेल्टाई इलाकों और भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। इस कारण बांग्लादेश में कम से कम 15 लोगों की मौत के साथ 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। विनाशकारी बाढ़ को लेकर वहाँ के कुछ संगठन भारत पर दोष मढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रोपोगंडा भी जोर पकड़ रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने त्रिपुरा के बांध को खोल दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश के निचले हिस्सों में तबाही आ गई। इस मामले पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और इन आरोपों को निराधार बताया है। आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन के बाद भारत ने इस बाढ़ को जानबूझकर पैदा किया, ताकि नई सरकार पर दबाव डाला जा सके। बांग्लादेश में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, खासकर पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में। इस वजह से कई शहरों और कस्बों के अलावा सैकड़ों गांव पानी से भर गए हैं। इससे बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है और संचार लाइन बाधित हो गई है। बांग्लादेश में 200 से ज्यादा नदियां बहती हैं, जिसमें से 54 नदियां भारत से होकर गुजरती हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बाढ़ की मौजूदा स्थिति बनी है। मौसम विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि मूसलाधार बारिश के अलावा उफनती नदियां, अलनीनो और जलवायु परिवर्तन की घटनाएं देश में व्यापक बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक है। वहीं अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभालने वाले मोहम्मद यूनिस ने बृहस्पतिवार को अपनी सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और सदस्यों से बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने को कहा है।